अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स रिलेटेड नोट्स के हवाले से आप लोगों को बताने वाली हूँ। बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था कि क्या सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं। तो जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स का के नोट्स ये चाहिए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इन नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ताकि आप अगर इनको लेते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो और कोई एक्स्ट्रा लाइक वीकेंसी है आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो इन नोट्स में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स है, सॉरी सिंपल इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कार्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देन वी हैव द लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। अगर ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं सब आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि जब आप इसको लेते हैं तो आपको ईजिली पता हो कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। वॉन्ट्स एंड नीड्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, वॉन्ट्स ऑफ वेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेटिव एंड नॉमिनल प्राइस। देन वी हैव डिमांड, रीजंस विच इफेक्ट्स द डिमांड, नॉमिनल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, HRM responsibilities, human resource management responsibilities. Then we have lecture number 15, the marketing management philosophies, 4 P's of marketing. ये जो आपको notes मिलेंगे ये PDF form में available होंगे। Characteristics of digital goods, types of digital goods, internet marketing. Then we have HR management challenges, HR manager roles. HR मैनेजर की कौन कौन सी, HRM में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये चीज़, HR activities, then we have the division of HR responsibilities, then we have the cost estimation effects, right, software cost estimation process, cost estimation methods, कौन कौन से मेथड्स हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के, वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ई कॉमर्स, कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, limitations of e-commerce, how to start software company, globalization and information technology, goods of globalization, purpose of IT, outsourcing and offshoring, steps for starting a software company, एंड लास्ट लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डिवेलपमेंट स्ट्रेटजीज़। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स रिलेटेड व्हाट वी कैन से नोट्स थे। तो अगर ये आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। सिर्फ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही नहीं, बाकी मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अगर वो भी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट नोट्स दिखा दूँगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे ही मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।